आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर शाहजहांपुर, टेकरी, सिंधु और गाजीपुर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलन को स्थगित करने की मांग की है। बीयूबीए के चेयरमैन मनोहर लाल कुमार ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति भयावह है। ऐसे में आंदोलनकारी संकट की इस घड़ी में अपने आंदोलन को स्थगित करके महामारी से निपटने में सरकार और मरीजों को राहत दे। गौरतलब है कि इस आंदोलन को खत्म करने की मांग केंद्र सरकार भी कर रही है, पर आंदोलनकारी अड़े हुए हैं। इसके साथ ही देश भर के व्यापारियों से भी अनुरोध किया गया कि वे संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, 2 गज की दूरी और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर में धोने की प्रक्रिया अवश्य करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। महामारी से निपटने के लिए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से भी सभी आवश्यक कदम तत्काल प्रभाव से उठाने का अनुरोध किया है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।